शिवा बेटे चला के खाना खा ले। नहीं माँ तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा, परीक्षा के लिए बहुत पढ़ाई करनी है। पढ़ लिख कर आज तक किसी का भला हुआ है जो तू तीर मार लेगा? चल ये माल ले जाकर गबरू के यहाँ दिया। नहीं मुझे पढ़ना है। अबे फेंक ये किताबें। कान खोल के सुन लो, तुम मेरे बच्चे से ऐसे गलत काम नहीं करवाओगे। अरे पागल औरत, आजकल पुलिस की बड़ी चेकिंग चल रही है, अगर मैं या मेरा आदमी माल लेकर गया और पकड़ा गया तो 6-8 महीने के लिए अंदर हो जाएंगे। तेरा ये लाडला भी बच्चा है, अगर पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया तो थोड़ा बहुत मारपीट कर 4-6 दिन में छोड़ देगी। कैसे बाप हो तुम? दुनिया अपने बच्चे को हर मुसीबत से दूर रखती है और एक तुम हो जो अपने मासूम से बच्चे को जानबूझ के मुसीबत में डालना चाहते हो। मुझसे जबान चला, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पिताजी पिताजी माँ को मत मारो, मैं जाता हूँ। नहीं शिवा तू नहीं जाएगा। सीधी तरह से तुम माँ बेटे दोनों को बात समझ में नहीं आती। ये ले, ले, हट। साला जोची ये कहता है मेरे हाथ में दौलत की लकीर नहीं है, ये दौलत की लकीर मैं खुद बनाऊंगा। अब दौलत मेरी मुट्ठी में है। अरे बलवान, अरे हाथ को जख्मी करने से अगर आदमी अमीर हो जाता तो मैंने तो कब के अपने दोनों हाथ काट दिए होते यार। लेकिन मैं अमीर बनूंगा। हीरा, तुम्हारे सेठ धनराज के यहाँ 11 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे के लिए सेठ धनराज 11 लाख रुपए बड़ी आसानी से दे सकता है। दे तो देगा, लेकिन यार ये काम काफी खतरनाक लगता है बलवंत। हीरा, बिना खतरों को गले लगाए रातों रात अमीर नहीं बना जाता। जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते उन्हें दूसरों के मुंह से चम्मच छीनना पड़ता है, और फिर तुमने जो शराफत का चोला ओढ़ रखा है वो किस दिन काम आएगा? बलवंत, ये कौन है मेरी हिस्ट्री जानने वाला यार? ये बादशाह है मेरा यार, पैसे लेकर खून बहाना इसका पेशा है। आज रात बादशाह तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें सिर्फ दरवाजे की कुंडी खोलनी है। क्यों चले आए? बच्चे के रोने की वजह से सब गड़बड़ हो गया है, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे साथ कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। जाओ यहाँ से, कल सुबह फिर वहीं मिलेंगे, जाओ। कौन था ये बच्चा बताओ मुझे? जा सो जा। मैं नहीं सोऊंगी आज, आज तक मैं तुम्हारा हर जुल्म सहती आई हूँ, मगर पैसों के लिए एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी तुम्हें। बेवकूफ औरत, बच्चे को कोई जान से नहीं मार रहा है, हमारी शर्त पूरे होते ही बच्चा माँ बाप को लौटा दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई तो? बताओ बताओ मुझे, तुमने वो बच्चा कहाँ रखा है बताओ, नहीं तो मैं आप भी जाके पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। हरामजादी,
तू मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? तू जाएगी मेरे खिलाफ? मेरे गले में पड़े तुम्हारी इस मंगलसूत्र की कसम, आज मैं पति पत्नी के रिश्ते को भूल जाऊंगी। अगर तू पति पत्नी के रिश्ते को भूल सकती है तो मैं इस रिश्ते को मिटा सकता हूं। देख बलवान, तू वैसे बचता नहीं है, लेकिन वो क्या है कि तू अपना दोस्त है और तुझे बचाना तो बिलारे का फर्ज है। तू एक काम कर, कल मुझे 10,000 रुपए और दे दे, तेरा काम हो जाएगा। दिए। चलो सावरा, चलो पीछे हटो, हटो सावरा, हाँ चलो। क्यों बुलदोर, कम हो गया? बिल्कुल साहब, बिल्कुल हो गया काम। जाओ यहाँ तमाशा लगाए क्या? नौ टंकी नगर, चल फोट फोट, चलो। ए चल ना रे, हल क्या रे, अब रोता है? चल हमारे साथ। ये साला पहले अपनी माँ का खून करता है, फिर रोता है। मैंने माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने माँ का। अरे झूठ बोलता है, तूने अपनी माँ का खून नहीं किया, नहीं किया तूने। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, इसने मेरी बीवी अपनी माँ का खून किया है। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, ले जाइए इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ का खून नहीं किया, मेरे माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सेठ जी। एक तरफ तो दिल चाहता है कि पुलिस को बता दे कि गुंडों ने रुपए लेकर कहाँ आने को बोला है, मगर दूसरी तरफ डरता हूँ कि कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ने ना जाए उससे। नहीं नहीं, पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सेठ जी, उन्होंने आपको अकेले आने को बोला है, मगर हीरा भी आपके साथ चलना चाहता है। सेठ जी, सेठ जी, भगवान ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका नमक हराम नौकर, मेरा मतलब वफादार नौकर, अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगा। सेठ जी, सेठ जी, परसों मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं उस नमक की कीमत चुकाना चाहता हूँ। सेठ जी, मुझे अपने साथ नहीं, हीरा नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं अकेला जाऊंगा। सेठ जी, सेठ जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। सेठ जी, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। मुझे दे दो, मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ है मेरा बच्चा? बलवंत, बलवंत भाग। नाम पे दे जाओ बाबा,
इस बच्चे को खत्म कर दो बादशाह, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। बच के निकल गया, तुम लोग यहीं ठहरो। यस सर। तीसरी बार उस हरामजादे दामोदर ने हमारा माल लूटा है। एक तो वो तड़ीपार है, ऊपर से इसी शहर में रहता है और ऊपर से लूट मार करता है। इसी से उसकी हिम्मत का अंदाजा लगा लीजिए हीरा सेठ। मेरा ख्याल है उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है। शट अप! मैं अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, उनके हाथ काट लेता हूँ। दामोदर के हाथों में बहुत दम है हीरा सेठ, पलक झपकते ही गला काट देता है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ की तो जबान काट के रख दूंगा। ये दामोदर मेरे लिए सरदर्द बनकर रह गया है और तुम जानते हो मुझे सरदर्द जरा भी पसंद नहीं। शिवा नाम की एक गोली है हीरा सेठ, जो आपके इस सरदर्द को दूर कर सकती है। कौन शिवा? एक पेशावर कातिल, जुर्म की इस दुनिया में आजकल उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, शिवा के चाकू पर इस हरामजादे दामोदर का नाम लिखवा दो, आज अभी। अच्छा, अब उनके नाम का सुपारी निकाले लाए। ए शकुरा, ये साला बंबई शहर में ऐसा कौन सा शाणा पैदा हो गया रे, जो आप उनके नाम का सुपारी ले सकता है? आ, 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 अरे साला अपुन तो वो है कि जिंदा तो जिंदा, साला मरे हुए को भी मारता है। इस खिलौने के साथ मैं बचपन से खेलता आया हूं, अब यह मेरा दोस्त बन चुका है, मेरा साथी। मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। यकीन नहीं आता तो एक बार फिर से कोशिश करके देख। दामोदर, मेरे चाकू ने तेरे खून को चखने की कीमत ले ली है, लेकिन जुर्म के इस बेउसूल दुनिया में मेरी भी कुछ असूल है। मैं अपने शिकार को कभी सोते हुए नहीं मारता, जगा कर मारता हूं, ताकि मरते वक्त उसे शिकायत न रहे कि मैंने उसे अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं दिया। अब उन बहुत खुश हुआ भिड़ो, पहला टाइम किसी ने दामोदर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है, पहला टाइम किसी ने दामोदर का फेंका हुआ चाकू पकड़ा है, पहला टाइम किसने दामोदर के अड्डे पर आकर उसको धमकी दी है। दुनिया का हर काम एक न एक दिन इंसान के साथ पहला टाइम ही होता है दामोदर। जन्म का पता 9 महीने पहले चल जाता है, मगर मरने का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता। इसलिए मैं मरने वाले को 9 घंटे की मोहलत देता हूं, ताकि वो अपने क्रियाक्रम का सामान अपने हाथों से खरीद सके। चलता हूं। ये चाकू मैं तेरे कंधे के बजाय तेरे सीने में भी उतार सकता था, मगर मैं बगैर कीमत किसी का खून बहाना नहीं चाहता। 9 घंटे बाद मुलाकात होगी। अरे साला, अपुन को मारेगा तब ना जब खुद 9 घंटे तक जिएगा।